बुधवार को परमवीर सिंह के बाद सचिन वाजे के लेटर बॉम्ब से ठाकरे सरकार सकते में आ गई। वाजे के लेटर में तीन मंत्रियों के नाम शामिल होने से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। वाजे के इस लेटर की पूरी जांच करने की मांग गुरुवार को विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने नागपुर में की। बुधवार का दिन महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए फिर एक तूफान लेकर आया। आरोपों से घिरे सचिन वाजे ने बुधवार को एनआईए के सामने लेटर बम फेंका। इस लेटर में महाविकास अघाड़ी के तीन बड़े नेताओं के नाम शामिल है। इस लेटर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान सा आया है। वाजे के लेटर के बाद अब विरोधी पक्ष के लिए बहाना मिल गया है। गुरुवार को नागपुर में आए विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लेटर में इस तरह नेताओं के नाम आना गंभीर है। वाजे के इस लेटर की पूरी जाँच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुळातच हे पत्र अत्यंत गंभीर आहे आणि मला असं वाटतं की माध्यमातूनच मी ते पत्र देखील बघितलं, त्याच्यामधला जो कंटेंट आहे हा खरोखर मला असं वाटतं की आपल्या सर्वांना विचार करायला लावणारा आहे। आणि एकूणच महाराष्ट्रामध्ये जे घडतं आहे किंवा ज्या गोष्टी बाहेर येत आहेत त्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेकरता चांगल्या नाही आहेत, पोलिसांच्या प्रतिमेकरताही चांगल्या नाही आहेत। मी आज याच्यावर एवढंच म्हणेन की जे काही पत्र बाहेर आलेलं आहे ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालयाने CBIला चौकशी करायला सांगितलेली आहे आणि आता हे जे काही कंटेंट बाहेर येत आहेत या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी ही मला असं वाटतं की CBIने करावी किंवा जी कॉम्पिटंट अथॉरिटी असेल त्यांनी करावी। अशा प्रकारचं पत्र आल्यानंतर त्या संदर्भातली चौकशी होऊन दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर दवाई की कमी हो रही है। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि रेमडेसिविर के लिए कमेटी नियुक्त की गई है। इस विषय पर फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कालाबाजारी न हो इस ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में कोरोना का संकट नहीं है, जिस राज्य में कोरोना का संक्रमण कम है उस राज्य से हम ये दवाई मंगवा सकते हैं। मला असं वाटतं की सरकारने रेमडेसिवीरच्या संदर्भात विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, कारण मागच्याही वेळी आपण बघितलं होतं की कशा प्रकारे रेमडेसिवीरचा काळाबाजार काही लोक करत होते। आताही ही परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे। मुळातच आत्ताचा जो काही एक दुसरी लाट आहे ही देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये नाही आहे, ही काही राज्यांमध्ये आहे। मागची लाट ही सगळ्या राज्यांमध्ये होती, त्यामुळे आत्ता आपल्या राज्यांनी ज्या राज्यांमध्ये लाट नाही आहे त्या ठिकाणून रेमडेसिवीर आपल्याला घेता येईल का, प्रोक्युअर करता येईल का, याकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे। आणि ज्या काही वेगवेगळ्या तयार करणाऱ्या कंपनीज आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पुरवठा कसा मिळवता येईल आणि कुठल्याही परिस्थितीत काळा बाजार होणार नाही, काळा बाजार करणाऱ्यांवर अतिशय कडक कारवाई सरकारने केली पाहिजे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने से राज्य सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं, जिसमें शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दो दिन महाराष्ट्र में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, मगर राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि 30 अप्रैल तक शहर में सभी दुकानें बंद रहेगी। इस दो आदेशों से महाराष्ट्र के व्यापारी संभ्रम में है और अपना व्यापार बचाने के लिए रास्तों पर उतर आए हैं। कुछ व्यापारी संस्थाएं विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में चर्चा की। इस बात की जानकारी खुद फडणवीस ने बताई है। उनका कहना है कि सरकार ने सभी से चर्चा कर निर्णय लेना था। ऐसा है कि मुळातच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ज्यावेळेस लॉकडाऊनच्या संदर्भातला निर्णय घेतला त्यावेळी त्यांनी सगळ्या स्टेकहोल्डरशी चर्चा करायला हवी होती आणि त्यातनं मग कशा प्रकारे आपल्याला त्यांनाही दिलासा देता येईल आणि कोरोनाच्या वाढत्या केसेस थांबवण्याच्या दृष्टीनं कठोर उपाययोजना करता येतील असा मार्ग शोधायला हवा होता। मात्र दोन दिवसाचा कंप्लीट लॉकडाऊन सांगत असताना सातही दिवसाचा कंप्लीट लॉकडाऊन केल्यामुळे एक प्रकारे फसवल्याची भावना ही व्यापाऱ्यांमध्ये आणि सगळ्यांमध्ये तयार झाली आहे। आणि शेवटी व्यक्तीचं जीवन महत्त्वाचं आहे, पण ते जीवन जगण्याकरता जर त्याच्याजवळ दोन पैसे राहिले नाही, त्याला खायला प्यायला देखील राहिलं नाही, तर कसं जगायचं, ही जी समस्या त्यांच्यासमोर तयार होते त्यातनं एक उद्रेक तयार झाला आहे। मला असं वाटतं की सरकारने हा उद्रेक ॲड्रेस केला पाहिजे। सरकार आणि समाज एकमेकासमोर उभं राहणं हे योग्य नाही आहे। समन्वय कसा घडवता येईल आणि कधी दोन पावलं मागे जायला पाहिजे, कधी दोन पावलं समोर यायला पाहिजे,
कुठे समजुतीचं वातावरण तयार करायला पाहिजे असं होताना मात्र दिसत नाही। वैक्सीन के बारे में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर से वैक्सीन नहीं मिल रही है, मगर कुछ दिन पहले ही केंद्र की ओर से राज्य को कितनी वैक्सीन दी गई इसकी जानकारी दी गई है। बहुत स्पष्ट शब्दों में वैक्सीन के बारे में बताया है और वैक्सीन की राजनीति बंद करने को कहा है। और महाराष्ट्र सरकार के को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए और लोगों की जान से खेलना बंद होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।